बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने इफेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ऑन द कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन के बारे में बात की, आज हम नेसेसिटी ऑफ द इंसुलिन एंड द कार्बोहाइड्रेट फॉर द ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे। इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ प्रमोटिंग एक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। और फिर यहाँ पर ये बताया हुआ है कि उन एनिमल्स में ग्रोथ नहीं होती है जिनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है और दे लैक पैंक्रियाज। ये दोनों कंडीशंस ये शो कर रही हैं कि बॉडी में नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन या नॉर्मल अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स और नॉर्मल इंसुलिन एक्टिविटी आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ हार्मोन टू बी इफेक्टिव। इंसुलिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्रोथ, बट देयर सीम्स टू बी अनदर इफेक्ट्स एज वेल। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है इज द एबिलिटी ऑफ द इंसुलिन टू इन्हांस ट्रांसपोर्ट ऑफ सम अमीनो एसिड्स इनटू द सेल्स इन द सेम वे दैट इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स कार्टिलेज एंड बोन ग्रोथ। जिस तरह से हमें पता है कि ग्रोथ हार्मोन एनहांसेस द बॉडी प्रोटीन और ऑलमोस्ट सारे बॉडी टिश्यूज की ग्रोथ करवा रहा होता है, बट इट्स मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट इज टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द स्केलेटल फ्रेम। पर यहाँ पर उन्होंने इफेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ऑन द बोन्स के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कॉन्ड्रोसाइटिक सेल्स होते हैं और जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं वहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो प्रोटीन की डेपोजिशन को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है एंड देन उन सेल्स की रिप्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है। और उसका जो स्पेसिफिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये कन्वर्ट कर देता है जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो ऑस्टियोजेनिक सेल्स में एंड इट दस कॉजेज द डेपोजिशन ऑफ द न्यू बोन। यहाँ पर उन्होंने जो है वो मैकेनिज्म ऑफ द बोन ग्रोथ के बारे में बताया है। बेसिकली देर आर टू प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर द बोन ग्रोथ। सबसे पहली बात तो ये कि जो एपिफाइजियल एंड्स होते हैं वहाँ पर न्यू बोन की ग्रोथ तब तक होती है कि जब एपिफाइसिस ऑफ द बोन्स जो होते हैं वो शाफ्ट से सेपरेट होते हैं। एंड अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो दिस ग्रोथ फर्स्ट कॉजेज द डेपोजिशन ऑफ द न्यू कार्टिलेज और फिर वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड दैट पुशेस द एपिफाइसिस फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। एंड जब एडोलेसेंस रीच हो जाती है तो बोनी फ्यूजन हो जाती है बिटवीन द शाफ्ट एंड एपिफाइसिस, सो नो न्यू लेंथनिंग ऑफ द बोन कैन अकर। एंड फिर ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में बताया हुआ है कि दैट आर बेसिकली द बोन फॉर्मिंग सेल्स एंड दे डिपॉजिट न्यू बोन ऑन द सर्फेस ऑफ द ओल्ड बोन। और फिर ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में बताया हुआ है कि दैट रिमूव द ओल्ड बोन। और फिर ये बताया हुआ है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है दैट स्टिमुलेट्स द ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और उसके बाद बोन जो है वो थिकर एंड थिकर होना शुरू हो जाती है थ्रू आउट द लाइफ एंड दैट इज स्पेशली ट्रू फॉर द मेम्ब्रेनियस बोन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जॉ बोन की बात करते हैं तो वो एडोलेसेंस रीच होने के बाद भी ग्रो करती है एंड इट कॉजेस द फॉरवर्ड प्रोट्रूजन्स ऑफ द चिन एंड द लोअर टीथ। और अगर स्कल की बात की जाए तो वो भी थिकनेस में ग्रो करती है एंड इट गिव्स बोनी प्रोट्रूजन्स ओवर द आई। ग्रोथ हार्मोन एग्जर्ट्स मच ऑफ हिट्स इफेक्ट्स टू द इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस कॉल्ड एज़ सोमैटोमेडियन्स। सो जिस तरह से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जब भी हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स या फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। ये जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स और फैक्टर्स होते हैं ये हमारे पास हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोटर ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं। देन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सेल्स हमारे पास हार्मोन्स को सिक्रीट कर देते हैं इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अज्यूम दैट कि हमारे पास कोई स्टिमुलस आया, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्टिमुलस हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के फैक्टर को सिक्रीट किया। देन ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर था इट देन गोज टू द हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स टू द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में सोमैटोट्रॉफ्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने ग्रोथ हार्मोन को सर्कुलेटिंग ब्लड में सिक्रीट कर दिया। एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोन द ग्रोथ हार्मोन गोज इन टू द लिवर एंड here it is converted into the several small proteins called as somatomedins and which have the potent effect on increasing all the aspects of the bone growth. And somatomedins ko insulin like growth factors bhi kaha jata hai because the effects of the somatomedins on growth are similar to the effects of the insulin on growth. At least four types of the somatomedins have been isolated aur jo most important in me jo somatomedin hai that is the somatomedin C. isko insulin like growth factor bhi kaha jata hai aur IGF 1 bhi kaha jata hai and iska jo molecular weight hai it is about 7500 और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है प्लाज्मा में इट क्लोजली फॉलोज द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द हार्मोन सेक्रेशन। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो पिग्मीज ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया हुआ है कि उनमें जो ग्रोथ हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर था जो सोमैटोमेडिन सी था उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम थी, ठीक है, दे हैव द डिमिनिश्ड अमाउंट्स ऑफ द सोमैटोमेडिन सी, दैट्स व्हाई दे वर ड्वार्फ्स और इनकी ग्रोथ नहीं हो सकी।
शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन बट प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ द सोमेटोमेडन सी। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो जो प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा वीकली अटैच होता है, ठीक है, तो दैट्स वाई वो ब्लड से जो टिश्यूज में इजिली रिलीज हो जाता है और उसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है, लाइक लेस देन 20 मिनट्स। इन कॉन्ट्रास्ट जो सोमेटोमेडन सी होता है उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बहुत ज्यादा टाइटली अटैच होता है, ठीक है, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो एज कम्पेयर टू द ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा होती है, इसकी 20 आवर्स होती है। एंड दैट्स वाई सोमेटोमेडन सी इज रिलीज्ड स्लोली फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज। ये बताया हुआ है कि ग्रोथ हार्मोन पल्सेटाइल पैटर्न में सिक्रीट करता है, कभी इंक्रीज भी कर जाता है कभी डिक्रीज भी कर जाता है। प्रिसाइज मैकेनिज्म अभी इसका नहीं पता, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं लाइक पर्सनल स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस लेवल है, जो इसकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर ये बताया हुआ है कि जो स्टार्वेशन हो जाए, लाइक स्पेशली सिवियर प्रोटीन डिफिशेंसी हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड्स हो जाए ब्लड में, एक्सरसाइज है, एक्साइटमेंट है, ट्रॉमा है, और एक ग्रेलिन एक हार्मोन होता है जो स्टमक से रिलीज होता है बिफोर मील्स, तो ये सारी जो कंडीशंस है दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन। फिर यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन होती है वो फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द डीप स्लीप में जो है वो ज़्यादा होती है, फिर एक नॉर्मल कंसेंट्रेशन बताई हुई है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि जो एक्यूट कंडीशंस होती है वहाँ पर हाइपोग्लासीमिया मेजर सोर्स होता है ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन का, और जो क्रोनिक कंडीशंस होती है वहाँ पर सेलुलर प्रोटीन डिप्लेशन जो है वो मेजर सोर्स होता है ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन का। एंड हाई लेवल्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन कैन अकर ड्यूरिंग द स्टार्वेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन डिप्लेशन। फिर यहाँ पर जो है वो कुछ अनइम्पॉर्टेंट सी बातें बताई हुई हैं। रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड सोमेटोस्टैटिन इन कंट्रोलिंग ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशंस। जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है बेसिकली इट इज फॉर्म्ड बाय द 2 फैक्टर्स विच आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। दीज फैक्टर्स आर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ये जो फैक्टर्स होते हैं दे आर सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है, और दीज फैक्टर्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजिकल पोर्टल ब्लड वेसल्स टू द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड वेयर द सोमेटोट्रॉफ्स एंड देन सोमेटोट्रॉफ्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है एंड देन इट गोज टू द सर्कुलेटिंग ब्लड टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, ठीक है। फिर ये बताया है कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन्स बोथ आर द पॉलीपेप्टाइड। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है 44 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है एंड जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है जिसको सोमेटोस्टैटिन भी कहा जाता है डिस्कम्पोज्ड ऑफ द 14 अमीनो एसिड्स, ठीक है। फिर ये बताया है कि दैट द पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस बेसिकली दैट कॉजेज द सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन वो वेंट्रोमीडिया न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड दिस एरिया इज सेंसिटिव टू द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। और फिर ये बताया हुआ है कि जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है जिसको सोमेटोस्टैटिन भी कहा जाता है इट इज कंट्रोल्ड बाय द नियरबाय एरियाज ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर ये बताया हुआ है कि अगर स्ट्रेस हो जाए ट्रॉमा हो जाए तो ये वाली जो सारी कंडीशंस है ये ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशंस को अफेक्ट कर रही होती हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स से ये भी शो हुआ है कि जो कैटेकोलामीन्स होते हैं डोपामीन्स होते हैं सेरोटोनिन्स होते हैं ये वाली जो सारी कंडीशंस हैं दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद ये बात बताई गई कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है इट्स अ प्रोटीनेशियस हार्मोन इट्स अ पॉलीपेप्टाइड दैट मीन्स के जो उसके रिसेप्टर्स होंगे वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते बल्कि इसके रिसेप्टर सेल सरफेस पे सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं एंड जैसे ही ग्रोथ हार्मोन सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एडिनाइल साइक्लिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, एंड दैट इंक्रीजेज द इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ द साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में होता है कि जो कैल्शियम आयन की ट्रांसपोर्ट होती है इनसाइड द सेल वो इंक्रीज हो जाती है एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज टू इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन इन द न्यूक्लियस बाय द जीन्स टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ द न्यू ग्रोथ हार्मोन।